वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त विकास। तो अभी काफ़ी बारिश हो रही थी जब हम लोग तपोवन से नीचे की तरफ आ रहे थे, तो बारिश अभी तेज ही है, तो हम लोग बहुत देर वेट किए पर बारिश नहीं छूटी। तो अभी हम लोग रेनकोट पहन लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अभी हम लोगों को यहाँ से त्रिकुट पहाड़ की तरफ जाना है और फिर वहाँ पर क्योंकि ऊपर तक ट्रेकिंग करना है तो हम लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। और आप वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि आप जो आगे का वीडियो होगा वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी थ्रिलिंग होगी, क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादा थ्रिल वहाँ पे आपको आएगा देखने में। तो वीडियो के साथ बने रहे और साथ में बीच में जो व्यू सब आएंगे वो काफ़ी ही बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में हम आपको देवघर का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी दिखाने वाले हैं जहाँ से देवघर का अधिकतर बिजली सप्लाई होती है। और साथ में आपको रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे व्यू होंगे आपको उसको दिखाते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ आप नज़ारे का आनंद उठाते रहिए, क्योंकि अब जो आप नज़ारा देखेंगे वो काफ़ी बेहतर होगी और काफ़ी सुंदर होगी। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहे। आप अभी देख सकते हैं यहाँ से जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं ये सोलर पावर प्लांट है, जहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल्स सेटअप किए गए हैं और ये बहुत दूर में फैली गई है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी इनिशिएटिव है कि आप नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं सही तरीके से और आप इससे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। तो अभी हम लोग यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पे है और अभी नज़ारा देखिए। ये अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो ये जो जगह है आपको रुकने को मजबूर कर देगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से सोचे टाइम कम है कहीं नहीं रुकेंगे, पर इस जगह को देखते ही हम लोगों का मन नहीं किया कि हम लोग यहाँ से आगे जाए और सोचे चलिए आप लोगों का इसका एक नज़ारा दिखा ही देते हैं। अभी हम लोग त्रिकुट पर्वत के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, अब बस थोड़ी सी दूरी ही बाकी है और हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो कितनी नज़दीक पर्वत दिख रही है। तो देखिए अभी हम लोग प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ बढ़े और बस अब आगे जाएंगे और वहीं से हम लोग अपने ऊपर की ट्रेकिंग की स्टार्ट करेंगे। तो चलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद सबसे पहले कुछ चने खरीदे, क्योंकि अगर यहाँ आप आते हो तो ये जो जानवर है ये आपके कुछ चने या केले या उसी पे निर्भर होते, क्योंकि अभी ऐसे भी सैलानियों का यहाँ बहुत कमी है क्योंकि COVID-19 के कारण अभी बहुत कम सैलानियाँ आते हैं, तो ये लोग बेचारे भूखे ही रहते हैं। तो क्या आप लोग भी आओ तो यहाँ इन्हें कुछ खिलाओ। तो हम लोग अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और काफ़ी यहाँ बंदरों की कमी नहीं है, यहाँ बहुत सारे बंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और देखिए ये कैसे खा रहे हैं। मैं प्राचीन शिव मंदिर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी बारिश हो रही है जिसके कारण अभी यहाँ के लोकल्स बताए कि अभी हम लोग ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि अभी बहुत सारे वहाँ पे फिसलन है और बहुत सारे जंगली जानवर और जो
इंसेक्ट सब होते हैं वो वहाँ पे निकल कर आ रखे हैं। और अभी COVID-19 के कारण भी जो ट्रॉली है अगर उससे भी हम जाना चाहते तो वो भी अभी बंद हो रखा है। तो जिसके तो अभी हम लोग को करना क्या है, जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं जितनी दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ ये भैया है जो हमें यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे, तो चलिए चलते हैं। एक सेकंड के लिए हमको बोला जी, ये जो आप देख रहे हैं ये रोपवे जाने वाली रास्ता है, जो रोप चलता है रस्सी के द्वारा जो आपको त्रिकुट की चोटी पर लेके जाते हैं जी जी। ये रोपवे जाने वाली रास्ता है और ये जो हो गए अच्छा ये पैदल जाने वाला, इसमें मिलेगा आपको मेन मंदिर त्रिकुट। अच्छा त्रिकुट का जो मेन मंदिर है जैसे बोलते हैं आप लोग शिव मंदिर, तो क्यों यहाँ पे प्रचलित क्यों है, वहाँ क्या हुआ था? त्रिकुट तीन पर्वत है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा तीनों पर्वत के नाम से प्रचलित है त्रिकुट पर्वत। अच्छा त्रिकुट पर्वत एक आध्यात्मिक दर्शनीय स्थल है जी जी, इसको देखने के लिए दूर दूर से यानी कि सैलानी भी आते हैं जी। ठीक है, इसमें खूबी यही है कि ये पर्वत जो है ये झारखंड का एक नंबर मेडिटेशन पर्यटन स्थल है। अच्छा पर्यटन स्थल है सबसे, मतलब झारखंड में सबसे अच्छी पर्यटन स्थलों में गिनती इसकी होती है, इसकी होती है। जी, और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, ये सभी जगह से इंडिया ऑल ओवर और विदेश से भी लोग यहाँ पे आते रहते हैं और हम लोग जो है यहाँ का गाइड है। अच्छा, हम लोग सैलानियों को शेयर करवाते हैं। अच्छा, और जो जो चीज़ हम मेन मेन सब देखने का है जैसे काल्पनिक सब पुराने युग का जो कहानी है वो जी जी हम लोग यहाँ सब बताते हैं। तो चलिए भैया के नहीं है नहीं तो भैया के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजू। राजू, राजू भैया अगर आप कभी से आइएगा तो इनका घर पास में ही है, पास में। हाँ, तो पास में ही आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, या होगा तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ये आपको यहाँ के सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए भैया के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ के सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। यहाँ हल्का सा प्रणाम कर लीजिए, त्रिकुट के पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद में सबका सुरक्षा करने वाला यहाँ का महादेव ही बैठा हुआ है। ये लोग को थोड़ा सा आप लोग का कम रहता है थोड़ा, करने के लिए आते हैं जी जी। तो आपको वहाँ मिलता है स्नान करने के लिए शिव गंगा। अच्छा, उसी तरह से इसको त्रिकुट मानसरोवर बनाया गया है। ओ, तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये त्रिकुट मानसरोवर है, यहाँ के पवित्र जगहों में से एक है, जहाँ पे अगर आप यहाँ त्रिकुट पर्वत के ऊपर जाते हैं शिव मंदिर का दर्शन करने जाएंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले आकर एक डुबकी लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और यहाँ के आपको जो भी दिक्कतें हैं उसका मनोकामना मान सकते हैं और आपको भगवान सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा पर्वत का पानी इसी में आता है, पूरा ऊपर से नीचे तक जो भी होता है पूरा पर्वत का पानी इसी में आता है। अच्छा, और जो निकलने वाला निकल जाते हैं, जो स्टॉक रहता है वो स्टॉक रह जाते हैं। तो अभी पूरा जैसे कि आप देख सकते हैं COVID-19 के कारण अभी यहाँ पे पूरी दुकानें बंद हो चुकी है। अगर ऐसे आप यहाँ पे कभी आओगे तो यहाँ पे क्या है जो पूरी तरह से ये दुकान खुली रहती है, यहाँ पे जो भी भक्त जाते हैं ऊपर भगवान की दर्शन करने उनमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से खरीद सकते हैं। हम तो देख कोई चोरी कोई कुछ नहीं, मतलब ये सारी दुकानें खुली रहती थी। और यहाँ पे भैया का कहना है कि जो 2 से 3 लाखों का हर एक दुकान में यहाँ पे सामान रखा रहता था पर कोई चोरी नहीं होती थी यहाँ पे। तो आप देखते जाइए, मेरे साथ बने रहिए और एक बार फिर से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लॉकडाउन के कारण सब बंद है जी जी, अभी तो पूरा हर चीज़ लॉकडाउन के कारण यहाँ पे बंद है।
यहाँ पे अगर झरने की आवाज़ आप सुन सकते हैं, यहाँ आकर बैठ सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह का समय अगर आप यहाँ पे पहुँचते हो तो यहाँ पे साधना कर सकते हो। यहाँ का आपको जो शांति मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ से देखिए, ये पत्थर जो देख रहे हैं, अच्छा, पूरा हाथी का आकार में है ये वाला, ये वाली बड़ी वाली पत्थर को गौर से देखिए इसको। जी जी, आगे में सूंड है, ठीक है, हाँ हाँ, पीछे पूरा इसका बॉडी। अच्छा, तो ये जो आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो है एक पत्थर है जो हाथी के आकार में, अगर सही में आप देखें तो सामने उसका सूंड है वो दिख रहा है और पीछे उसका पूरा आकार दिख रहा है। इस पत्थर का नाम हाथी पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। जी, जैसे कोई मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा होता है, उसी तरह त्रिकुट पर्वत आप चढ़ने का शुरुआत करेंगे, सबसे पहले गज महाराज का दर्शन होता है। चलिए, तो जय गज महाराज। तो देखिए यहाँ पे कैसे आवाज़ सुन के, यहाँ पे बहुत सा, देखो यहाँ पे कैसे सारे बंदर आ रहे हैं और भैया के हाथ से यहाँ पे चने का टुकड़ा लेंगे, मतलब ये आवाज़ दिए और वहाँ से ये चले आए। तो चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदरों के साथ भी यही है, वर्चस्व है जो यहाँ पे। ये मंदिर प्रांगण का एक धर्मशाला है, आप भी यहाँ रह सकते हैं। तो अभी तो बंद है, सभी बंद है ये? नहीं, चालू है। अच्छा, चालू है, चालू है। यहाँ हम लोग को कोई कोविड महामारी का कोई फर्क नहीं पड़ा हम लोग को झारखंड में। यहाँ कोई किसी को कोरोना वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। जी, कमा रहे हैं, खा रहे, जी रहे। चलिए, आप आएंगे तो दो रुपया कमा रहे हैं, आपसे नहीं आइएगा फिर भी हम लोग कहीं जाके जुगाड़ी में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मंदिर है? मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग मंदिर के जस्ट पास में आ गए हैं और यहाँ से अभी अंदर जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। तो चलिए, ये है श्री श्री त्रिपुराचल बासंती समाज। जी, ये पूजा चैत महीना में होता है। जी, जिसको चैती रामनवमी बोला जाता है। चैती रामनवमी, चैती रामनवमी, ठीक है। ये पूजा श्री राम भगवान ने पहले करवाए थे। जी, जी। जो कि आज तक ये परंपरा लगा हुआ है। जी, ये त्रिकुट पर्वत में ही होता है। अच्छा, तो राम जी यहाँ पे आए थे और ये पूजा सबसे पहली बार वही करवाए थे, करवाए थे जो पूजा अभी तक हो रहा है। तो आपको यहाँ पे मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत सारे जानकारी त्रिकुट पर्वत के बारे में आपको मिलती रहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था और क्या पुरानी कथाएँ इनसे जुड़ी हुई है, तो आपको ये बहुत मदद करेंगी ये यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए चलते हैं, झरने का पानी पीते हैं। मेरा चप्पल वहीं, कोई दिक्कत नहीं, पानी गंदा है, बारिश होने के कारण ये झरना का पानी गंदा हो गया, क्योंकि पूरा पर्वत का पानी उतरते हुए झरना से क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। जी जी, अभी आप कभी भी आइए 365 दिन के अंदर में आपका कुआं सूख जाएगा, चप्पा कल सूख जाएगा, लेकिन झरना का पानी कभी सूखता नहीं। अच्छा, ये जो पानी है वो हमेशा सालों भर हर दिन हर समय ये बहता ही रहता है, 365 दिन ये पानी चलते रहता है। अच्छा, ये पानी जब आपको पूरा शुद्ध लगेगा पीने में, इसको पी के देखिएगा, इसको पीने से पेट में, अच्छा, पुराना से पुराना गैस्ट्रिक अम्बल अमाशा को ये जड़ से ठीक करने वाला पानी है। जी जी, और ये पानी जो है 365 दिन इसी तरह से गिरते रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। जी जी, और एक तरह से इसको जड़ी बूटी का
पानी बोला जाता है, जड़ी बूटी से पानी बोला हाँ, वो पहाड़ों से बहुत सारे जड़ी बूटियों को लेकर आती है, तो इसलिए इसे जड़ी बूटी का पानी 365 दिन गिरते रहता है। इसके बारे में आपको कल्पना कीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे। तो ये निकलती पहाड़ के ऊपर से है, और कहाँ से आती है ये पानी का जो स्रोत है, आज तक कोई बता नहीं पाया। अच्छा, कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर कोई बता नहीं पाए पानी आता कहाँ से। ऐसे तो बारिश वाला पानी आपको दिख रहा है, अभी तो बारिश का है, पर 365 दिन बहते रहता, तो ये कहाँ से आता है इसका कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया इसके बारे में। अच्छा, ऊपर कहीं जाने से पता भी नहीं चलता है जो ये कहाँ से आता है, कोई भी पता नहीं लगा पानी कहाँ से आता है, उसका स्रोत अभी तक किसी को पता नहीं चलता। इसके तो पानी को पी लें, गंदा है अभी तो। तो अभी हम सिर्फ हाथ धो लेते हैं, क्योंकि ये पानी थोड़ी सी बारिश अभी हो रही थी, आप देखे होंगे, जिसके कारण यहाँ पे पानी का बहाव भी तेज है और पानी थोड़ा सा पहाड़ से आ रहा है, तो पानी अभी गंदा हो रखा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पानी पूरी तरह से गंदी है, इसके कारण हम लोग अभी इसे पी नहीं रहे हैं। तो पर बहुत ठंडी पानी है ये, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से आ रही है, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसके सामने में टेंट भी फैल है। हाँ जी जी, चलिए तो ठीक है, एक बार हम इसको अपने हाँ ये ठीक है, पैर धो लेते हैं और अपने शरीर पे एक बार छीटा सुनता। ये जो देख रहे हैं यहाँ का मेन मंदिर है जी जी, बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव। अच्छा। प्राचीन शिव मंदिर जी जी, इसको रावण का हथजोग शिवलिंग बोला जाता है। हथजोग का मतलब रावण जब द्वादश ज्योतिर्लिंग देवघर में रुक गए। अच्छा, तो रावण फिर से जाके त्रिकुट पर्वत में आके 14 साल हठजोग तपस्या करने लगे। हठजोग के दरमियान में रावण ये शिवलिंग को अपना हाथ से स्थापित करके इनको पूजा किए थे। अच्छा, इनको बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव बोला जाता है जी जी। रावण का हठजोग शिवलिंग, हठ के समय रावण यही शिवलिंग को स्थापित करके इनको पूजा किए थे जी जी। और जब इनका 14 साल पूरा होने ही वाला था, इनको 3 देवों ने दर्शन दिया था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी जी। तीनों देवों ने मिलकर इनको बोला था कि आपका मनोकामना और पूरा नहीं किया जा सकता है, आप यहाँ से बेलपत्र तोड़ के सबसे पहला पूजा बैद्यनाथ धाम में करके अपना घर लौट के चले जाइए। अच्छा। उस समय रावण वही किए थे, यहाँ से बेलपत्र तोड़ के सबसे पहला पूजा बैद्यनाथ धाम में किए थे, जो कि आज तक वो परंपरा लगा हुआ है। यहाँ का बेलपत्र नहीं जाने के बाद बैद्यनाथ धाम में पहला पूजा नहीं होता है। अच्छा, तो जो बेलपत्र यहाँ से जो भी पूजा होते, तो सबसे पहले बेलपत्र यहीं से पहला पूजा, सबसे पहला पूजा धर्मरक्षिणी पंडा लोग जो पूजा करते हैं जी जी, परिहस्त लोग जी जी, तो यहाँ का ही बेलपत्र से ही पूजा करते हैं। तो यहाँ से बेलपत्र वहाँ जाती है, वहाँ से यहाँ से प्रत्येक दिन यहाँ का बेलपत्र नहीं जाने के बाद बाबा बैद्यनाथ का पहला पूजा होता ही नहीं है। अच्छा, और वो जैसे सबसे पहले रावण पूजा करते थे जी जी। रावण का बहन भी यहाँ से बिलपत्र लेके जाते थे जी। बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव जी जी, चेत बैसाख महीना के दिन में ये झरने में जिस तरह पानी गिर रहा है जी जी, उसी तरह से बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ के महादेव में वो गुमुख जो देख रहे हैं, उससे बूंद बूंद पानी गिरता है। एक महीना बैसाख में सिर्फ, अभी आपको पानी नहीं मिलेगा बैसाख महीना में, ये वो जो फूल लगा हुआ गोमुखी में जी जी, हाँ वो गोमुखी से बूंद बूंद पानी गिरते रहेगा महीना भर का। अच्छा, महीना खुद से, खुद से तो पानी का कहाँ से आता है पता नहीं, कोई पता नहीं। तो चलिए भगवान बाबा का दर्शन एक बार कर लेते हैं। जय भोले। चलिए तो आप यहाँ से थोड़ा सा ले लीजिए, आपका कुछ लीजिए। अच्छा, मंदिर खुला है? हाँ, मंदिर खुला है। ये चांदी के गेट है। अच्छा, पे सब मैंने सजाने वाले सब आइटम बेचते थे जी जी। पुराना, बहुत पुराना आदमी था वो जी जी। लास्ट में जाने के वक्त में चांदी का पूरा लगवा दिया। अच्छा, तो उस पे वो ये पेंटिंग किया गया।
इसी का मनोकामना पूरा हुआ तब इनको बनाया गया।